हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, मेरी तरह यदि आप भी एक प्लांट लवर हैं और आप कहीं पर भी जाते हैं और यदि रास्ते में आपको कोई नर्सरी दिख जाए तो फिर आप वहां से प्लांट खरीदे बिना रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो आप वहां से खरीद कर ज़रूर लाएंगे। तो उसी तरह फ्रेंड्स, मैं भी कल कहीं गया था बाहर, तो मुझे भी रास्ते में एक नर्सरी दिखी जहाँ से मुझे बहुत ही खूबसूरत से प्लांट दिख रहे थे। और अंदर जाकर देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वहाँ से कुछ प्लांट खरीदे हैं जो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा फ्रेंड्स, और दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से प्लांट हैं। हालांकि ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं किए हैं और कम ही किए हैं, पर वही प्लांट खरीदे हैं जो सुपर हार्डी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और हमेशा फूलों से लदे रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनको मैंने नर्सरी से ख़रीदा है और क्या क्या उनकी प्राइस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं जो कि मैंने नर्सरी में बहुत ही सस्ते दामों में खरीदे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे हैं, हालांकि ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट खरीदे हैं जो कि सुपर परमानेंट हार्डी और हमेशा ही फूलों से लदे रहने वाले प्लांट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके दिखाते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट मैंने खरीदे हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है क्रोटन, जो कि बहुत ही अच्छी सी वैरायटी है क्रोटन की। इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर ये चल जाता है। बहुत ही खूबसूरत से इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसमें एक बड़ी बड़ी लीफ वाला भी आता है। कई सारे डिफरेंट कलर वैराइटीज़ के इसमें क्रोटन्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी कलर वैरायटी का क्रोटन आप ला सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने एक ये वाला बाय किया है, जो कि मैंने इसको गवर्नमेंट नर्सरी से बाय किया था मात्र 20 रुपीज़ में। ये इस तरीके से छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ प्लांट है और ये मात्र 20 रुपये का मुझे मिला है। दूसरी किसी नर्सरी से में तो ये 50 से 60 रुपये में मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट नर्सरी में ये मात्र 20 रुपीज़ में मिला है। हालांकि इसके मेरे पास पहले भी प्लांट थे, लेकिन शायद ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग की वजह से मेरे पास ख़राब हो गए हैं। काफ़ी साल पहले मेरे पास इसके काफ़ी सारे प्लांट थे पर ख़राब हो गए, लेकिन मैंने इसको दोबारा से ख़रीदा अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो कि विंटर्स में काफ़ी अच्छे से ये कलर्स आपके गार्डन में ऐड करता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ख़रीदें यदि आपने भी नहीं खरीदा है तो। गवर्नमेंट नर्सरी में ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ते में आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे प्लांट ये मिल जाते हैं। मुझे भी मात्र 20 रुपीज़ का मिला है। तो एक प्लांट मैंने ये वाला ख़रीदा है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अगला प्लांट जो ख़रीदा है वो है हाइब्रिड वाला क्लांचो। देसी वाले क्लांचो मेरे पास है, रेड कलर का है, लेकिन ये हाइब्रिड वाला बहुत ही अच्छा सा प्लांट था और ये ऑरेंज कलर का है, भैया ने बताया। हालांकि इसमें कलर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इसमें छोटी छोटी कलियाँ भी बन रही हैं, बट ये खिलेगी तब पता चलेगा। पर भैया ने बोला कि ये ऑरेंज कलर का प्लांट है हाइब्रिड वाला, तो मैंने इसको एक बाय कर लिया है। और ये वाला जो प्लांट फ्रेंड्स मुझे पड़ा है 50 रुपये का, बहुत ही अच्छा सा प्लांट है। ये मैंने प्राइवेट नर्सरी से लिया है पर ये मुझे 50 रुपये का मिला है। प्लांट काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने इसको भी ख़रीद लिया है, और भी विंटर्स में तो काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग भी करेगा। तो बहुत ही अच्छा सा ये प्लांट होता है, सुपर परमानेंट हार्डी प्लांट होता है, ये भी हमेशा चलता ही रहता है। और इसके कटिंग से बना करके आप ढेर सारे प्लांट इसके बना करके रेडी कर सकते हैं। तो मैंने भी एक ये वाला प्लांट बाय किया है जो कि मुझे 50 रुपये में मिला है। फ्रेंड्स, अगला जो प्लांट मैंने ख़रीदा है वो भी मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से ही ख़रीदा है। इसको हमेलिया प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत से इसमें बंचेस में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे और बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं, आपके गार्डन को काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना देते हैं। यदि इसमें फ्लावर्स भी नहीं आते हैं तो इस तरीके से टॉप पर इसकी जो पत्तियों का कलर होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, काफ़ी खूबसूरत से इसकी पत्तियाँ लगती हैं। तो इस प्लांट को भी मैंने ख़रीदा है जो कि मुझे मात्र 20 रुपीज़ में मिला है। हालांकि गवर्नमेंट नर्सरी में सारे फूलों वाले प्लांट मात्र 20-20 रुपीज़ में, यानी कि 20-20 रुपये में आपको मिल जाते हैं। तो आप जब भी प्लांट्स बाय करने की सोचें तो गवर्नमेंट नर्सरी का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट सस्ते मिल जाते हैं और आपके बजट में भी आ जाते हैं। तो ये भी इस तरीके से एक छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ प्लांट है, कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है, ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज इसमें निकली हुई है। तो इस प्लांट को भी मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से मात्र 20 रुपीज़ में बाय किया है। फ्रेंड्स, अगला जो प्लांट मैंने बाय किया है वो है बोगनविलिया। वैसे तो मेरे पास 3 कलर हैं, पर मेरे पास ये डार्क मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक का कलर नहीं था, तो मैंने इसको बाय किया है। इसको मैंने कई बार कटिंग से भी लगाए हैं पर पता नहीं मेरे यहाँ का क्लाइमेट इसको सूट करता है या नहीं, पर हर बार कटिंग ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसको गवर्नमेंट नर्सरी से ख़रीद लिया है जो कि मात्र 20 रुपीज़ का है, और बहुत ही अच्छा काफ़ी बड़ा मेरा प्लांट है। इसको भी कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं। इसके मेरे पास 3 कलर पहले भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और ये प्लांट भी मैंने मात्र 20 रुपीज़ में बाय किया है, इस तरीके से छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ प्लांट है। तो बहुत ही अच्छा सा ये प्लांट होता है और विंटर्स में और समर्स में भी काफ़ी अच्छी ये ब्लूमिंग करता है। तो इसको भी मैंने मात्र 20 रुपीज़ में गवर्नमेंट नर्सरी से बाय किया है।
और इसके मेरे पास तीन कलर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, वो जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो था पिंक कलर, ये डार्क पर्पल कलर का है, और ये ऑरेंज है, फिर येलो जिसे कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके फ्लावर्स जब ब्लूम करते हैं तभी ऑरेंज कलर का होता है और थोड़े समय बाद ये इसके येलो कलर सा इसमें आ जाता है, और ये है एकदम वाइट कलर, तो बहुत ही अच्छा सा ये प्लांट होता है। फ्रेंड्स, बोगनविलिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे क्योंकि ये लंबे समय तक फ्लावरिंग करते रहते हैं और सुपर हार्डी ये प्लांट होते हैं, तो मुझे ये इन प्लांट की काफ़ी सारा वेरायटी अपने गार्डन में ऐड करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं इसकी धीरे धीरे सारी वेरायटी अपने गार्डन में ऐड कर रहा हूँ। तो तीन कलर तो मेरे पास ये वाले हैं, चौथा कलर मैंने अभी ख़रीदा है नर्सरी से, तो ये सारे कलर मेरे पास अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल में। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट तो मैंने ख़रीदे हुए हैं, लेकिन ये जो आप सामने देख सकते हैं ये है ड्रेसिना, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी होती है, इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, काफ़ी सुंदर से आपके गार्डन को बना देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैंने एक रोड साइड पर लगा हुआ प्लांट था, तो वहाँ से मैंने इसकी छोटी सी 4 से 5 इंच की एक कटिंग कट कर ली है, जिसको मैं अभी ग्रो करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नर्सरीज़ में काफ़ी महंगे प्लांट मिलते हैं, लगभग 80 से 100 रुपये में आपको ये प्लांट मिल जाता है, इससे कम तो नहीं मिलेगा, पर बहुत ही अच्छी सी वैरायटी होती है ड्रेसिना की, इसलिए मैंने इसकी छोटी सी कटिंग वहाँ से कट कर ली है, अभी मैं इसको ग्रो करूँगा अपने गार्डन में। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ प्लांट जो कि मैंने नर्सरी से ख़रीदे हैं, हालांकि ज़्यादा बड़ी शॉपिंग तो मेरी नहीं है, पर फिर भी छोटे छोटे करके ही मैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट अपने गार्डन में ऐड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ प्लांट जो कि मैंने नर्सरी से ख़रीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको प्लांट कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।